गोंडप्पा नहीं, तू गुंडा है, गुंडा है तू गुंडा। अम्मा, लामा ने मुझे गुंडा कहा। हम आपके साथ नहीं आए, इसका अर्थ ये नहीं कि आपके मुख में जो आएगा वो कहते जाएंगे। मेरा मुंह है जो मन में आए बोलूंगा, झूठी चुड़ैल कहीं की। शादी से पूर्व कहती थी मेरे राजा, मेरे प्रियतम, और शादी के पश्चात थैला हाथ में देकर कहती है कि जाओ तरकारी लेकर आओ। ये भी नहीं सोचती कि बेचारा पति दरबार में दिन रात परिश्रम करके वापस लौटा है, इतनी मेहनत करके परिवार के लिए धन कमाता है, और तो और मेरा कमाया हुआ सारा धन आभूषण बनाने में व्यय कर देती है। अरे घर का काम धाम कुछ करती नहीं, समय पर मुझे भोजन देती नहीं, मेरे भास्कर का ध्यान भी नहीं रखती। और आता भी क्या है तुम्हें, जब देखो तब अपने डंडे का धौंस जमाती रहती हो, घर के सारे लड्डू अकेले चट कर जाती हो, ये भी नहीं सोचती कि बेचारा इकलौता पुत्र है, एक आध लड्डू उसको भी दे दो। एक लड्डू के लिए भगवान। अम्मा अब तो उठा ही लो डंडा, अम्मा उठा लो। ओमेश्वरी वहाँ खड़े खड़े क्या डंडे फटकार रही हो, हिम्मत है तो यहाँ आओ, इस घेरे के अंदर आओ, आओ 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 आओ। ये घेरे में बुला रहे हैं, वहाँ को बुलाने का अवश्य ही कोई राज होगा, आ जाइए। क्या हुआ, वहीं क्यों रुक गई, आओ आओ घेरे के भीतर आओ आओ। हम भीतर नहीं आएंगे, आप बाहर आइए। देखिए ना भास्कर आपको स्मरण कर रहा है, इसे अपनी गोद में लीजिए और इसे पुचकारिए। भास्कर ना रामा ना, पिशाच तुझे फुसला रहा है, बाहर मत जाना। मैं नहीं आऊंगा। शारदा बापू के छोटे बापू को घेरे से बाहर निकलने से मना कर रही है। अम्मा हम इन्हें बहला फुसला कर यहाँ से ले चलते हैं, वहीं ठीक करेंगे। रामा चल मेरे साथ घर चल, वहां मैं तुझे लड्डू भी दूंगी। मैं तुझे लड्डू ही दूंगी, नहीं चाहिए तुम्हारे लड्डू, आज तो मैं अनुष्ठान पूर्ण करके ही आऊंगा। हाँ ये कैसा अनुष्ठान हो रहा है, बाबा तो सो रहा है। बाबा सो नहीं रहे, वो गहन ध्यान में है, और आज तो अनुष्ठान पूर्ण होकर ही रहेगा। हाँ अम्मा सही कह रही है, ये बाबा तो सो रहे हैं, देखिए देखिए। तो उठा लो। क्या उठा ले, बाबा को उठा लो। एक स्त्री इतने भाले पुरुष को कैसे उठा सकती है। ए ओ घंटी कुमार, गोदी में उठाने नहीं कह रहा हूँ, निद्रा से उठा लो, निद्रा से। तांत्रिक अत्यधिक क्रोधित स्वभाव के होते हैं, कहीं निद्रा से उठ के तुझे श्राप ना दे दे। हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। ठीक है मत उठा, एक कार्य करो, वो डंडा वहां जो पड़ा है ना वो मुझे लाकर दो, मैं स्वयं उठा लूंगा। ए तू बाहर निकलता है या नहीं शारदा। ऐसा हम नहीं, शब्द हमारे क्रोध अम्मा का। नहीं ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे रहिए इस घेरे में, हम जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ, बुलाया भी किसने था, जाओ। हम आपकी शिकायत महाराज से करेंगे। जो करना है कर लेना, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो जाओ। नलायक मुझे अपशब्द कहता है और मानव खोपड़ी को चने खिलाते हैं। इसका नाम वेंकटपति सूर्यराव है, ये मेरा मित्र है मित्र, किंतु तुम सबके लिए काल है काल। हाँ ऐसा क्या,
स्कूल में मिल गया। वेंकटपति सुने रहो, वेंकटपति उठो, वेंकटपति सुने रहो, अरे उठो, ओ बाबा, अरे ओ बाबा उठिए। क्या 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 हुआ? अरे क्या क्या हुआ क्या हुआ, वो देखिए पिशाच आए थे और उन्होंने क्या कर डाला? क्या क्या? ये आपके मित्र वेंकटपति सुने रहो को मार डाला। आके खोलो मित्र, आके खोलो मेरे मित्र, आके खोलो। तुम मेरे मन और मस्तिष्क में सदा अमर रहोगे। मैं जब भी कहीं चना देखूंगा तुम सदैव मुझे याद आओगे। बेचारा पंडित रामाकृष्ण जी, अब हमारा अनुष्ठान पूर्ण होने को है। आज की रात्रि उस पिशाच के लिए प्रलय की रात्रि है। हाँ ओ बाबा, बाबा जाते जाते वो डंडा तो पकड़ा दीजिए। अब डंडे की आवश्यकता नहीं होगी, अब हम नहीं सोएंगे। ऐसा तो आपने पहले भी कहा था, किंतु सो गए ना। वो तो आंख लग गई थी, परंतु अब नहीं लगेगी। उचित है। ओम शोम चामुंडाय विच्छे। काल बैलू बाबा, ओ ये तो पुनः सो गए। डंडा भी वहां है। ओ बाबा ईश्वर, मैं कहां फंस गया? रामा घेरे से बाहर मत निकल। बंधु बाबा को उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा और सब व्यर्थ हो जाएगा। तो शीघ्र कर। बाबा को निकाल के उठाओ, बाबा को निकाल के उठाओ। शुभोदय महाराज। क्या बात है गुरुवर, आज आप अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। जी महाराज, वो हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला मायके चली गई है, और आपको तो ज्ञात है कि हमारी बहना अनंत लक्ष्मी घर आई हुई है।
कोतवाल महोदय। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण और महामंत्री तिमरुसु के विषय में कोई सूचना? महाराज महामंत्री जी सैनिकों के साथ 30 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा पीपल का वृक्ष ढूंढने के लिए गए हैं और पंडित रामकृष्ण के संबंध में महाराज मुझे कोई सूचना नहीं है। आप कोतवाल है ना, आपको तो सूचना होनी चाहिए। पंडित रामकृष्ण के विषय में कोई सूचना नहीं है और महामंत्री जी को अब तक पीपल के वृक्ष की लकड़ियां प्राप्त नहीं हुई, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अनुष्ठान भी नहीं हुआ होगा। महाराज पंडित रामकृष्ण कल गए तो थे बाबा कालू बैल काल भैलू के साथ अनुष्ठान करने के लिए, हम कल स्वयं उन्हें अंतिम अर्थात विदा करने गए थे। परंतु गुरुवर पीपल के वृक्ष की लकड़ियां मिली नहीं है तो अनुष्ठान कैसे हुआ होगा? महाराज बाबा कालू बैल के काल भैलू के अनुसार अनुष्ठान करना महत्वपूर्ण था, इसलिए वो बिना लकड़ियों के ही अनुष्ठान करने के लिए चले गए। लकड़ियों के बिना ही अनुष्ठान? जी महाराज। महाराज 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 महाराज। प्रणाम अम्मा शारदा देवी गुंडप्पा, आप सब यहाँ पर सब कुशल तो है? पंडित रामकृष्ण कुशल तो है? भगवान हमारे अभिन्न मित्र स्वर्गीय पंडित रामकृष्ण के आत्मा को शांति दे। शांति दे भगवान। क्या है गुरुवर? अम्मा आप हमें विस्तार में बताइए, पंडित रामकृष्ण कुशल है कि नहीं? महाराज रामा को कुछ हो गया है, ज्ञात होता है कि उसके ऊपर किसी प्रेत का साया है। कल रात्रि उसने हमें इतने सारे अपशब्द कहे। जी महाराज। कल रात्रि अपशब्द कहे? था तो अपने निवास पर ही है। नहीं महाराज, वो तो कल रात को ही अनुष्ठान के लिए निकल गए थे, परंतु हमें पूर्ण विश्वास था कि वो आधे मार्ग से ही वापस लौट। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमें उनकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हम उन्हें ढूंढते हुए खंडरों तक जा पहुँचे और वहाँ देखा कि वो बाबा काल भैलू के साथ अनुष्ठान कर रहे थे। अनुष्ठान कर रहे थे, तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है महाराज, हमारे पहले भी बहुत सारे वाद विवाद हुए हैं उनसे, परंतु कभी भी उन्होंने हमें इतने अपशब्द नहीं कहे। ऐसा क्या कहा पंडित रामकृष्ण ने आपको? चुड़ैल। आहा। महाराज मुझे कपटी कहा। महाराज उन्होंने हमसे कहा कि हम घर का कोई काम नहीं करते और यहाँ तक कि हम अपने प्यारे पुत्र भास्कर का भी ध्यान नहीं रखते। हाँ इसमें थोड़ा बहुत तो सत्य है। महाराज उसने कहा कि मैं अपने डंडे का धूल समाती हूँ। सत्य ही तो कहा। महाराज मुझे गुंडा का। आप सब शांत हो जाइए और निश्चिंत रहिए, ये भी तो संभव है कि पंडित रामकृष्ण ने आपको स्नेह से कहा हो गुंडप्पा महोदय। जिसे हम प्रेम करते हैं उन्हें हम उनके छोटे नाम से संबोधित करते हैं। जैसे हमारे गुरुजी के प्रेम का नाम तथाचार्य से तथू हो गया। चुप रहो मूर्खो। आप सब निश्चिंत रहें, हम स्वयं जाएंगे उस खंडर में, पंडित रामकृष्ण से मिलेंगे और तब हमें ज्ञात होगा कि पंडित रामकृष्ण ने आप सभी को ऐसे अब शब्दों से संबोधित क्यों किया। ठीक है महाराज, उचित है। महाराज आप स्वयं खंडरों में जाएंगे? जी गुरुवर, हम अकेले ही जाएंगे और हम अवश्य जाएंगे। पंडित रामकृष्ण की चिंता हो रही है हमें, वो मित्र है हमारे, हमारे विशेष सलाहकार है, उनके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है और हम अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करेंगे। जी महाराज। महामंत्री जी। महामंत्री जी। अरे महाराज उठी। अरे
प्रणाम महाराज। महाराज वो क्या है कि पीपल का वृक्ष खोजते खोजते हम यहाँ आए थे और थक गए थे, इसीलिए सुस्ता रहे थे। वैसे हमें यहाँ पर पीपल का वृक्ष मिला नहीं, इसीलिए हमने हमारे सैनिकों को दूसरे राज्य की वन की ओर भेजा है महाराज। महामंत्री जी, पीपल के वृक्ष की लकड़ियां ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। काल बिल महोदय और पंडित रामकृष्ण ने उसके बिना ही अनुष्ठान आरम्भ कर दिया था जी। कहाँ? वही खंडर में। पंडित रामकृष्ण की अम्मा शारदा देवी और गुंडप्पा आए थे रात दरबार में। कह रहे थे पंडित रामकृष्ण अत्यंत विचित्र व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। उन्हें लेकर हम थोड़े चिंतित अतः जा रहे हैं उन्हें खोजने। ये आपकी निद्रा हो गई हो तो आइए आप भी हमारे साथ। जो आज्ञा महाराज। मुझे बहुत डर लग रहा है अनंत लक्ष्मी, कोई यहाँ आ गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रहो, अभी हम तुम्हारे लिए कचौरियाँ लेकर आते हैं। हाँ कहीं मत जाना, ठीक है? ये क्या कर रहे? आपका तो व्रत है ना, आप कचौड़ी नहीं खा सकते। यदि आपने कचौड़ी खाई ना तो गुरु माता के वापिस आने के बाद मैं बता दूंगा कि आपने कचौड़ी खाई है और आपको आपको दुगना दुगना प्रायश्चित करना होगा। चुप रहो मूर्खा, कचौड़ियाँ हमारे लिए नहीं है तो? हमारी बहन अनंत लक्ष्मी के लिए, हम तो बस चख रहे कौन सी कचौड़ी खाने योग्य है और कौन सी कचौड़ी खाने योग्य नहीं है। क्या हुआ गुरु जी? ना देखी महामंत्री जी, ओ तो आल जी महाराज, जी महाराज आ रह गए थे आप दोनों। महाराज वो पंडित रामकृष्ण को ढूंढने के लिए हमने सैनिकों को दूसरी ओर भेजा है। हाँ महाराज। आप दोनों हमारे समीप रहिए। महाराज हम आपकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं। हाँ महाराज। म्यान में रखिए अपनी तलवारें जी, तलवारें भीतर रखिए जी। जो आज्ञा महाराज। अच्छा ठीक। हम आपको हमारे समीप रहने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहे, हमें सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जी 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 महाराज धन्यवाद। आइए भीतर चलते हैं। हाँ चलिए 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 महाराज। संभालिए महाराज संभालिए। ये गंदर क्या सदैव ही? हाँ महाराज सदैव ही भयावह लगता है। क्या थे हमें भयावह लगता है। आप दोनों कहीं भयभीत तो नहीं हो रहे? कौन? हाँ हम ना महाराज, कहीं आप भयभीत तो नहीं हो रहे? नगर कोतवाल महाराज हैं। महाराज इनके कहने का तात्पर्य ये था कि आप हैं तो हमें भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। हाँ महाराज, हाँ यही तात्पर्य था। सत्यवचन महामंत्री जी, चलिए भीतर चलते हैं, पंडित रामकृष्ण को ढूंढते हैं। चलिए। हाँ महाराज चलिए। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.